रख लो साहब, तो नास्तिक थे और आप तो उनके यहाँ मजहब से बात नहीं। रखो ना सर, इतना ध्यान भी मत दो इधर। तो आप तो संगम नमामी बोलते हैं, पहले की हम धारा की बात करें तो नास्तिक है सर। पीछे हो जाओ, संघ को नमन, ये कोई उपासना थोड़ी है। छह हजार आपका फायदा नहीं, नमन नमन करना भी तो आस्था हुआ ना सर। अच्छा, दूसरा सर मैं अभी उस पर देख रहा था, ये पैरियर को देख रहा था मैं, पैरियर साहब का फोटो मैं दिखाना भी चाहूंगा। देखिए ये भी समन संघ के उसमें शामिल है पैरियर, और जितने भी हमारे महापुरुष हैं मैं समझ रहा हूँ कि सभी के यहाँ पर उन्होंने पोस्टर निकाले। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। में बहुजन दस्तक से गौतम रत्न, और आज हम हैं ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर, जहाँ एक समर संघ का प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पर, हजारों की संख्या में लोग आ चुके हैं और लगातार कतार लगी हुई है आने की। तो कुछ मुद्दों पे मैं थोड़ा टेढ़े और सवाल ज्यादा करता हूँ, उसमें बात करेंगे। सर सुधीर साहब, ये जो पोस्टर है मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आप दूसरी भाषा में भी लेकर आ गए। जी, सारी भाषाओं में, भारत में जितने भी समर्थ लोग जिसकी भाषा में है उनमें सब भाषाओं में आ गए। अच्छा, दूसरा सर मैं अभी एक पोस्टर देख रहा था, ये पैरियर को देख रहा था मैं, पैरियर साहब का फोटो मैं दिखाना भी चाहूंगा। देखिये ये भी समर संघ के उसमें शामिल है पैरियर, और जितने भी हमारे महापुरुष हैं मैं समझ रहा हूँ कि सभी के यहाँ पर उन्होंने पोस्टर निकाले, और बहुत खूबसूरत भी हैं देखने में सर। सर अच्छा लग रहा है, देख लो, ध्यान रख लो। साहब तो नास्तिक थे और आप तो उनके यहाँ मजहब से बात नहीं। रखो ना सर, इतना ध्यान भी मत दो इधर। तो आप तो संगम नमामी बोलते हैं, पहले की हम धारा की बात करें तो नास्तिक है सर। पीछे हो जाओ, संघ को नमन, ये कोई उपासना थोड़ी थोड़ी है। छह हजार आपका फायदा नहीं, नमन नमन करना भी तो आस्था हुआ ना सर। पूरे संघ पैरियर आस्था के सर, संघ के सामने तो हर व्यक्ति झुकता है, और जो संघ को अपने से बड़ा मानता है वो गर्व में जाए। हम तो संघ को हमेशा से झुकते आए हैं, संघ को अपने को नमन नहीं करेंगे, अपनी पंचायत को, अपने लोगों को नमन नहीं करेंगे, समूह को नमन नहीं करेंगे तो फिर हमारा अस्तित्व कहाँ है। हम अपने परिवार को नमन कर रहे हैं। संघ नमामी का मतलब है अपने सभी लोगों के समूह को नमन करना, और यहाँ सामूहिक रूप से भी बहुत बड़ी नमन होगा। और सर समर संघ का उद्देश्य क्या है? सर समर संघ का उद्देश्य है समणों की सुरक्षा, समणों का विकास और समणों का सुख। तो यहाँ से क्या लोगों को एक खास मैसेज क्या देना चाहते हैं? पूरा संघ इकट्ठा होता है तो यहाँ से आपस में सब एक दूसरे की शक्ति, परिचय, प्यार, मोहब्बत मिलजुल के बढ़ के जाता है, और इनकी शादी ब्याह होती है, इनके व्यापार बढ़ते हैं, इनका लेन देन बढ़ता है, इनका काम बढ़ता है, इनकी जानकारी बढ़ती है, ये दूसरे शहरों में आते जाते हैं, इनकी सुरक्षा बढ़ती है, इनके किराए बचते हैं, इनका व्यापार, इनकी इनका बहुत बहुत भला होता है। सर बाबा साहब अम्बेडकर की लोग बहुत बात करते हैं, मैं आपसे कुछ खास बाबा साहब के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ तो जय भीम के नारे तो सब लगाते हैं, या नमो बुद्धाय के नारे लगाते हैं, जब उनसे पूछते हैं उनकी बायोग्राफी के बारे में तो बहुत कम लोग नजर आते हैं जो उनकी बायोग्राफी को पढ़ते हैं। उनके कुछ ऐसे बायोग्राफी के जिंदगी के हिस्से जो आपने कभी पढ़े हो वो आप जरूर दर्शकों को बताएं, जिससे आप कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के आपने ये चालू किया। हमने ना केवल बाबा साहब बल्कि जितने भी समण महापुरुष हैं उन सबकी एक ही बात जानी और एक ही बात समझी, इससे ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं है। हम बहुत छोटी क्लास में गए हुए लोग हैं, साधारण लोग हैं, सबने एक ही बात कही है, संगठित हो जाओ, ऑर्गेनाइज हो जाओ, एक हो जाओ, एक ओंकार, एक साथ रहो, संघ में रहो, एक साथ भजन करो, संगति करो, कलेक्टिव रहो, सबकी यही वाणी है। हमने बस वही वाणी पकड़ी है, बाकी और क्या कहते हैं हमें पता ही नहीं। सर लेकिन किस तरह से करेंगे आप, जो ये बहुजन की बात करते हैं लोग, या जो नहीं, हम बात करते हम बहुजन की बात नहीं करते, पॉलिटिकल जैसे लोग कहते हैं कि देखो बहुजन बहुजन में बहुत सारे जन अलग अलग तरीके हो सकते हैं, यहाँ समणों का संघ है, सिर्फ समणों की बात होती है। नहीं सर, जैसे कि कहा जाता है, हर आदमी मानता है कि जब तक आपके पास राजनीतिक सत्ता की चाबी नहीं होगी तो आप इस जो चीजें आप कर रहे हैं कि भाई जब समण से जुड़ेंगे तो न्याय अत्याचार नहीं होगा, अत्याचार हमने समझ, लेकिन लोग कहते हैं सर, पूरा सवाल सुन लीजिए, लोग कहते हैं कि जब तक सत्ता की चाबी नहीं होगी आप उस तरह के मनुवादी मानसिकता के लोगों से लड़ नहीं पाएंगे। नहीं, लोग ना लोगों को छोटा विचार बताया जाता है, सत्ता की चाबी है, पर ये नहीं बताया जाता है कि जहां संघ होता है सत्ता उसके हाथों में पैरों में होती है। भगवान बुद्ध इतने बड़े ज्ञाता रहे, जानकार रहे, कभी राजाओं के पैरों नहीं पड़े, राजाओं के पैरों पड़े रहते थे। जितने की सत्ता के लोग हैं ये सब स्वामी संतों के पैरों में पड़े रहते हैं, उनकी सभा में पैरों पड़े रहते हैं। क्यों? स्वामी संतों को इनके पैरों पड़ना चाहिए पर उल्टा होता है। तो संघ जहाँ होता है वहाँ सब पैरों में आते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं संघं नमामि, नमो संघाय। सर लेकिन क्या आप मतलब आप भी चाहते हैं कि आप भी उस तरह के साधु बन जाएं कि क्योंकि आप तो पूरा शुरुआत से आपने शुरुआत की साधु का, लोग आपके कदमों में आकर के पड़े। देखो ऐसा कहाँ तक सुनो ना,
आप जो पूछ रहे हो, आप जैसे पत्रकार जब ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि वो व्यक्ति है उसके चरणों में पड़े, तो आप चरणों में पड़वाते हो। साधुओं ने कभी नहीं कहा कि उनके पैरों में चढ़े। जो साधु है वो कभी नहीं कहता चरण पड़े। साधु तो आते हैं, काम करते हैं, मर जाते हैं। पर जो व्यापारी लोग होते हैं, जो आप जैसे लोग सवाल पूछते हैं, वो मठ बना लेते हैं, वो गुट बना लेते हैं, वो चरणों में पड़वाते हैं, उनके अलग अलग मठ बन जाते हैं। यहाँ संत समागम है पर किसी एक का नहीं है, समणों का संत समागम है और यहाँ कोई पैरों में नहीं पड़ता। मैं इसलिए पूछा कि सर ये शुरुआत आपने किया। नहीं, आपका आप क्योंकि आपको चैलेंज चलाना है, तो व्यक्ति बाद में आपने बाबा साहब का नाम दिया वो व्यक्तिवाद है, आपने फिर कहा व्यक्तिवाद है। हम तो सबकी बात करते हैं। आप जब व्यक्ति को छोड़ के और समणों की बात करोगे तो सत्ता आपके पैरों में घूमती हुई आएगी और आपसे कहेगी कि मेरे को साथ ले लो। सुख आपके पैरों में आएगा, कहेगा मेरे को साथ ले लो। एटोसिटी दूर दूर चली जाएगी। अभी यहाँ इतने सारे लोग हैं, कोई एटोसिटी हो सकती है यहाँ? जब इकट्ठे तो नहीं नहीं होती, पर अगर अकेला हमारा आदमी चलाया तो अभी कोई भी पुलिस वाला, कोई भी बदमाश कोई भी पकड़ लेगा, तो अकेले को पकड़ लेते हैं, पर संघ वालों को नहीं पकड़ते। हमने तो ये देखा है कि बाबा साहब ने कहा समता समाज संघ बनाओ, बुद्ध ने संगन शरण गच्छामि कहा, सबने एक ओंकार एक बात एक कही, पर लोग उस बात को छोड़ के सत्ता की चाबी, और सत्ता की चाबी बताओ कितने ताले और कितनी चाबी, कौन सा ताला और कौन सी चाबी, हमें यही बता दो भाई। हजारों ताले बना दिए, हजार चाबी, उनको तो कोई नहीं कहता, फटकारता। अबे तुमको एक सत्ता चाबी तक के लिए कहा था या हजारों ताले हजार चाबी बना? इसीलिए मैंने ये सवाल किया। पर हम तो सवाल में जाती ना, हमारा तो नियम है राजनीति कभी नहीं। आप दस नियम वाली देखो, हमारी तो ये किताब है, इसमें दस नियम है इसमें, और ये इसमें एक नियम साफ लिखा हुआ है कि राजनीति कहा गया इसमें आठ नंबर, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, साफ है। और देखो संघ ना घाटे में बेचता है, ये 43 रूपए 50 रूपए की किताब 40 रूपए में देता है। सर इसमें इसी किताब में से मैं ना जब बात करता हूँ तो मैं वहीं से सवाल पूछो। सर इसमें एक सातिया बना हुआ है, अक्सर मैं इस सातिया को देखता हूँ कि हिंदुओं के टेंपल में या हिंदू जब पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर बना होता है। इसी पे मैं सुधीर साहब से सवाल करना चाहूंगा, ये आपकी किताब पर क्यों है? पहली बात तो ये है कि आप ना अपना अध्ययन पूरा करो, क्योंकि जो हिंदू शब्द है वो कहाँ से आया कैसे आया वो सात्य से उसका कोई लेना नहीं है। ये बुद्ध के जो चार सत्य हैं, आर्य सत्य हैं, ये उल्टे घूमे हुए हैं, जो दुख को दूर करके सुख को लाते हैं। ये स्वस्ति जो चिन्ह है इसको स्वस्ति बोलते हैं पाली के अंदर, और ये हमारे चिन्ह है। जब ये उल्टा घूमता है तो सुख आता है, इसका मतलब है कि आपका दुख जा रहा है, इसका सिंबल है। जब इसमें चार बिंदु होते हैं इसका मतलब चार आते सत्य ठहर गए, और जब ये राइट घूमता है तो इसका मतलब दुख आता है। तो आप अपने साथियों को दूसरे के नाम पे क्यों करते हो? आप जानकारी पूरी रखो भाई कि ये हमारे चिन्ह है। जब तक आप जानकारी नहीं रखोगे, आप जैसे पत्रकार के ये हमारे चिन्ह है, तो हमारे चिन्ह दूसरे के हो जाएंगे, तो आप खामे खा उनको दे आते हो। अब आपने कह दिया ये उनका ये उनका, उनका है नहीं। नहीं, मेरा मतलब था सर प्रैक्टिकल रूप में देखने को मिलता है, इसलिए प्रैक्टिकल ठीक करो ना, इसलिए चैनल के बारे में सर जानकारी ठीक करो, अपने अपने चैनल पे जानकारी दो, लोगों को बुलाओ। इन सब तो पूछ लो कि हमारा है नहीं है, बताओ हमारा है नहीं है? देखो सिंगल भी हमारा है, हमारा है सिंगल भी हमारा है, सिंगल भी हमारा है, वो भी हमारा है, धमचक्र भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, कमल भी हमारा है, पानी भी हमारा है, संख भी हमारा है। अच्छा सर, ये बुद्धिज्म में बौद्धम और समण संघ में क्या एक दूसरे के साथ कॉमन चीजें हैं? ये कॉमन ये है कि बुद्ध को महासमन बोला करते थे। जब बुद्ध बुद्ध नहीं थे, उससे पहले वो इसी समण संघ के मेंबर थे जब 21 साल के लड़के थे। हम साधारण लोगों का संघ है, बुद्ध ने जो संघ बनाया वो धम्मिक संघ है, अलग अंतर समझो। बुद्ध का जो संघ है वो है इसका धम्मिक संघ। धम्मिक संघ में हर व्यक्ति आ सकता है, पर बुद्ध 21 साल की उम्र में जिस संघ के मेंबर थे उसमें केवल समण आ सकता है। तो हम पुराने वाले पे काम कर रहे हैं जिसमें बुद्ध 21 साल पहले बुद्ध रहते सिद्धार्थ गौतम थे और समण थे, और जब संघ में आए और संघ के मेंबर बने और संघ का उन्होंने समण घात किया और उनको सजा भी मिली, ये हम उस संघ को काम करते हैं। हम धम्मिक संघ पे काम नहीं करते, धम्मिक संघ पे काम करेंगे भिक्षु, ये उनका काम है, हमारा नहीं। साथियों आप सुन रहे थे सुधीर राज साहब को यहाँ पर, और बहुत अच्छी, मैं कुछ इस तरह के सवाल जरूर इसलिए उठाता हूँ कि उनका एक बड़ा अध्ययन, पाली को भी उन्होंने बड़ा अध्ययन किया है, वो अपने चैनल के माध्यम से भी समाज में बताते रहते हैं इस चीज को, और मैं भी उनका चैनल देख करके प्रभावित होकर के कुछ उल्टे सीधे सवाल जानबूझ के करता हूँ कि ताकि लोगों तक एक सही जानकारी मिल पाए। और ये अच्छे पत्रकार हैं जो ऐसे सवाल करते हैं, बाकी पत्रकार तो सवाल ही नहीं करते डर के मारे, वो तो सवाल कम करते हैं, चमचागिरी ज्यादा करते हैं, कितने लोग आए कहाँ से आए, बहुत बड़े कर्म, ये बहुत कड़े सवाल करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे मित्र मैं कहता हूँ कि जितने आपने कड़वाहट बंद कर दी मेरी आपकी दुश्मनी हो जाएगी। और दूसरा मैं उनको साधुवाद करूंगा कि देखिए उन्होंने अपने एक और अच्छा चीज शुरू किया जो इससे पहले मैं पिछले प्रोग्राम में नहीं देखा था, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि वो एक लिटरेचर पर भी आ गए हैं, जहाँ पर वो लिटरेचर को बहुत ही कम पैसे के अंदर अपने समाज तक पहुंचाने की एक पहल शुरू की है, वो बहुत अच्छा कदम है।
और जो पोस्टर आप खरीदते हैं, अगर आप ₹10 का पोस्टर आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई भी सेलर आपको ₹30 से कम, ₹40 से कम नहीं बेचता है। सर, ₹100 के कप और है। और डिजाइन भी बहुत अच्छा किया है। पीछे ना ये कप भी दिखाए, देखिए मतलब कुछ चीजें, ये देखिए ये ₹100 के कप है, आप अपने बच्चों को हैप्पी बर्थडे में किसी को भी गिफ्ट कराइए, दे सकते हैं। ₹100 का पड़ोस में जाए, 6 कप पहुंचे आपके, 100 कप छपाई नहीं है इसकी, ये सब्सिडी में मिल रहा है, क्योंकि प्रचार काम में ₹150 का डब्बा ₹100 में मिलता है। तो हर एंगल से उनकी जो कोशिश है समाज में बदलाव लाने की, संघ के द्वारा उसको एक बहुत पॉजिटिव के साथ देखा जाना चाहिए और उस पर चलने के लिए लोगों को कोशिश करना चाहिए। भैया बुद्ध को आप जब आपने बोला ना अभी, हाँ, जब बुद्ध थे तो उस समय क्या बोलते थे? उससे भी पहले था, उस समय जो साके समण संघ था उसको क्या बोलते थे बताओ? समण का मतलब क्या है? सर आप हाथ पीछे करना, थोड़ा आप पुराना है सर, बहुत पुराना है, आप मत बोलिए, उनका जिक्र है, उनका जिक्र समणा बमणा का जिक्र है, बमण तो बाद में आए, समणा बमणा का जिक्र है। लेकिन सर फिर मेरे को एक सवाल है सर, जो संघ की जो बात बताते हैं, जब मैं कई भिक्षुओं से मिला, क्योंकि आपका जब सुनता हूँ तो मेरा भी मन में जिज्ञासा होती है, हर आदमी हर चीज का बुद्धिजीवी हर चीज का अध्ययन नहीं कर सकता, ये तो फैक्ट है। तो मैं उनसे सवाल किया कि जो हमारे सुधीर राजी जो संघ चला रहे हैं, इस संघ में और बुद्धिज्म कल्चर में क्या डिफरेंट है? तो वहां पर कुछ भिक्षुओं ने मुझे ऐसा बोला कि जो संघ थे उस टाइम बुद्ध के जमाने में, जैसे कोली संघ था, वो जातियों के एक संघ थे, जाति नहीं थी उस समय, बद्ध संघ है, कोली संघ है, राहुल संघ है, अलग अलग बहुत सारे वेस्ट में नॉर्थ में जो लोग रहते थे उनके अलग अलग छोटे छोटे संघ हुआ करते थे, वो साधारण व्यक्तियों के संघ है, ये धम्म का संघ था भगवान बुद्ध का, उन सारे संघों को मिला के एक बड़ा संघ बनाया सम्राट अशोक ने, तभी तो इसको महाभारत बोलते हैं। तो ये जो महासमण है, ये जो हमारे समण लोग हैं, जो सारे सारे इन्होंने बड़े काम किए, तो महासमण बोलते हैं। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि जो कुछ भ्रांतियां हैं वो सुधीर राज साहब ने यहाँ पे दूर करने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि आप उसे काफी पॉजिटिव चीजें आपको मिली होंगी, बहुत सारे लोगों के बीच में सवाल रहते हैं। और अब हम चलेंगे उनके ताल कटोरा स्टेडियम के हॉल के अंदर, जहां पर हजारों लोग पहुंच चुके हैं, वहां से आपको लाइव भी दिखाएंगे। और आप बहुजन दस्तक पे आप लगातार कम से कम, क्योंकि मैं इनके हर जितने भी लोग आते हैं उनमें जो भी बुद्धिजीवी होते हैं मैं सबसे बात करने की कोशिश करता हूं, तो मेरा एपिसोड इनका कम से कम 20 से 25 दिन लगभग चलता है, तो आप लगातार समण संघ को 20 से 25 दिन आने वाले टाइम में चैनल पर भी देख सकते हैं, और अभी आप लाइव देख ही रहे हैं। बहुत बहुत साथ, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भी। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।